हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अहसन। आज की मेरी वीडियो है, पाकिस्तान नेवी में अभी टेस्ट शुरू हो चुके हैं बच्चों के, और इसमें टेक्निकल सेलर, नेवल पुलिस, एफएमटी, स्टीवर्ड, शेफ, नैब खतीब, मैरिनर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर के पेपर शामिल हैं। तो ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी रिसेंटली पेपर देने वाले हैं। उससे पर वीडियो से सवाल हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। ऐसी बहुत सी वीडियोस इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखें, कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल आर्डर। अब इस मीनिंगफुल आर्डर में सबसे पहले देखें कि वो कहते हैं वॉल, हाउस, क्ले, ब्रिक, रूम्स। अब उसने एक इसकी तरतीब दी है। सबसे पहले देखें, क्ले मिट्टी को कहा जाता है, ब्रिक्स ईंटों को कहा जाता है। सबसे पहले मिट्टी होती है, उससे ईंटें बनती हैं, ईंटों से दीवारें बनती है, दीवारों से कमरा बनता है और कमरे से घर बनता है। तो इसका मतलब है कि ये 3, 4, 1 और 5 ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, इसका बेस्ट आंसर ई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, कहते हैं बॉडीगार्ड इज रिलेटेड टू पर्सन इन द सेम वे एज। अब बॉडीगार्ड बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है, तो सेम लाइक अब इसे रेलिवेंट हमने देखा है, जैसे टीचर स्कूल के लिए होता है, मेयर सिटी के लिए होता है, सोल्जर कंट्री के लिए और मोनक टेम्पल के लिए होता है। तो बॉडीगार्ड से रेलिवेंट हमने लेना है, टीचर भी नहीं होगा, मेयर भी नहीं होगा, ये सोल्जर होगा, क्योंकि बॉडीगार्ड भी हिफाजत करता है और सोल्जर भी मुल्क की हिफाजत करता है। तो इसका बेस्ट आंसर सी है, सोल्जर वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड आउट ऑफ डेट। अब इसमें हाउस है, कॉटेज, ऑफिस और बैंगलोर। अब देखें, घर भी सेम है, कॉटेज भी सेम है और बैंगलोर भी सेम है, सिर्फ इसके अंदर जो ऑफिस है ये थोड़ा आउट ऑफ वे है, इस वजह से ये ऑड है। ऑड कहा जाता है मुख्तलिफ को, कि मुख्तलिफ इनमें से कौन सा है। तो इसका बेस्ट आंसर ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 5, 10, 19, 33, 38, 47। अच्छा, इसमें ये बहुत सिंपल सी सीरीज है। देखें, सबसे पहले उसने क्या किया है कि 5 और 10 के दरमियान 4 डिजिट उसने छोड़े हैं, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद अगले में उसने 8 डिजिट छोड़े हैं। इसी तरह 19 के बाद उसने 4 डिजिट छोड़ने हैं, जैसे 20, 21, 22, 23। और इसका जो नेक्स्ट आंसर होगा वो 24 बनेगा। कौन सा होगा? 24 इसका बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब 24 के बाद 8 डिजिट छोड़ेगा तो 33 बनेगा। देखें, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो ये 8 डिजिट बनते हैं, अगला डिजिट 33 है। तो सेम लाइक 33 और 38 के दरमियान 4 डिजिट और 38 और 47 के दरमियान 8 डिजिट है। तो ये इसका बेस्ट आंसर 24 बनता है। अब ये नॉन वर्बल का है। अब इसके अंदर देखें कि ये 4 साइंस हैं, बोर्ड मार्क्स के साइन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल्स हैं। सेम लाइक देखें कि अब इसकी रोटेशन सिर्फ हो रही है एंटी क्लॉक वाइज। क्या हो रही है? एंटी क्लॉक वाइज। अब यहाँ पे पहले माइनस था तो ये प्लस इस तरफ है, ये प्लस इधर चला गया, माइनस इस तरफ चला गया, सेम लाइक माइनस इस डब्बे में आ गया, फिर अगेन माइनस यहाँ पे चला जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। तो ये सिर्फ इसकी एक एंटी क्लॉक वाइज 4 डायरेक्शन पे आपने घुमाना है। तो इसका मतलब है कि पहले में माइनस यहाँ था, दूसरे में यहाँ, तीसरे में इधर, चौथे में इस जगह पे चला जाएगा और प्लस यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो 4 डिजिट है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ 10th of January ऑफ अ लैप ईयर फॉल ऑन सैटरडे, देन 11th of May ऑफ द सेम ईयर फॉल ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डे। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझ लेना है। अब यहाँ पे अब हम जनवरी की अगर दिन काउंट कर ले तो 10 दिन अगर हम निकाल दें, 31 का महीना होता है, तो उसमें बाकी दिन बचते हैं 22। कितने दिन बचे? 22, क्योंकि 10वां दिन भी उसमें शामिल करना है। उसके बाद प्लस आगे उसके बाद लैप ईयर कह रहा है, क्योंकि लैप ईयर आ जाता है तो उसमें फरवरी हो जाए 29 दिन, तो फरवरी के आगे 29 दिन। और सेम वो कहता है कि 11th of March प्लस मार्च के 11 दिन, तो टोटल ये कितने बने? ये बने 62। कितने हो गए? 62। इसका मतलब है कि जब ये सारी हमने कैलकुलेशन कर ली तो वो पूछता है जी इसके बाद कौन सा दिन होगा ये 11th मार्च को, क्योंकि अगर 10th जनवरी को सैटरडे था तो 11th मार्च को कौन सा दिन बनेगा। जब इसकी हमने कैलकुलेशन की, जनवरी के 22 दिन ले लिए, 10 निकाल के बाकी 29 दिन बचे, ये लैप ईयर था इस वजह से, और बाकी प्लस 11 इसके हमने मार्च के, तो ये बने टोटल 62 दिन। तो अब क्योंकि सैटरडे था तो जनवरी को हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, अगर 9 हफ्ते लें तो वो बनते हैं 63। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 62। इसका मतलब है कि सैटरडे से एक दिन हमने पीछे लेना है, सैटरडे से पिछला बनेगा
फ्राइडे, क्योंकि उसे नेक्स्ट सैटरडे आ जाता है, तो इसका मतलब कि फ्राइडे से एक दिन हमने पीछे जाना है। क्यों? क्योंकि 63 पे आता है फ्राइडे और उसे एक दिन हम पीछे लेंगे तो वो बनेगा थर्सडे। अब इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन देख लें किस तरह किया है कि सबसे पहले वो वन क्वार्टर कह रहा है, क्वार्टर 1/4 होता है, तो सबसे पहले क्वार्टर को उसने डिवाइड करना है। अब इसकी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले उसने कहा है कि फाइंड इसका क्वार्टर कर ले, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 288, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये बनता है 72। तो अब अगर 72 कह रहा है तो सेकंड चीज़ पे वो कह रहा है कि क्वार्टर का 1/3 लेना है, जब 72 आ जाएगा तो उसको 1/3 से करना है। नेक्स्ट फेज में 1/3 को जब 72 से करेंगे वो बनता है 24। तो अब उसके बाद तीसरा जो स्टेप कह रहा था वो अगेन कह रहा था कि 1/4 लेना है। क्या लेना है? 1/4। पहले आपने क्वार्टर लिया 282 का, वो बना 72, फिर उसके बाद 1/3 लिया 72 का, तो वो बना 24। 24 का अब कह रहा है अगेन 1/4 लेना है, तो जब 24 का 1/4 लेंगे तो वो बनेगा 6। इसका बेस्ट आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब यहाँ पे बहुत ये आसान है, नॉन वर्बल का सवाल है, इसको ज़रा देखें कि ये देखें, छोटा सा एक ट्राइंगल अंदर बनी हुई एक स्टार है, ये पहले इसके अंदर है, सेकंड में वो बाहर चले गए हैं। क्या हुआ? इधर अंदर थे और इनकी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन थी, सेम ये वाई एक्सिस पे चले गए और दोनों अपोजिट साइड पे हो गए। अब आपने इनकी सिर्फ डायरेक्शन याद रखनी है। अभी ये देखें कि ये एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस में ये रेक्टेंगुलर नीचे है और छोटा स्टार ऊपर वाली साइड पे है एक्स एक्सिस पे। अब अगला जो होगा, एक तो हमें कन्फर्म है कि वाई एक्सिस पे होगा, दूसरी इनकी पोजिशन आपने अपोजिट करनी है। तो इसका मतलब है कि ये अगेन आपकी अंदर वाली साइड पे हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों बाहर वाली साइड पे थे, जब अंदर था तो बाहर वाली साइड पे चले गए। अगेन इसी तरह आपने इसको अंदर, ये जो दो एरो बने हुए हैं कर्व शेप में, इन दोनों को आपने क्लोज कर देना है। ये ओपन थे, क्लोज हो गए। दूसरा ये जो स्टार थे इनको वाई साइड पे बना देना है आपने। क्या बना देना है? वाई साइड पे। अब ये देखें, ये वाली सेम ऑप्शन आ रही है, तो ये जो 3 है ये बेस्ट है। दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ। ये देखें, ये क्लोज बॉक्स के अंदर है और ट्राइंगल और स्टार है, इसको फिर इसने बाहर निकाल दिया है, ओपन कर दिया है और इन दोनों को बाहर वाली साइड पे कर दिया, एक्स एक्सिस पे था तो वाई पे कर दिए। सेम ये आपने एक्स एक्सिस पे है तो अगला तो कंफर्म वाई एक्सिस पे होगा, दूसरा पहला इधर ओपन है तो अगले में ये सेम एरो आपके क्लोज हो जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। थ्री, अच्छा इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन, इस वजह से कन्फ्यूज नहीं होना 4 और 3 की वजह से, भला किस तरह, क्योंकि आपने इससे आइडिया लगा लेना। ये देखें, अब इसमें ये देखें ट्रायंगल ऊपर थी, स्टार नीचे था, और जब इसकी अगर आप पोजीशन को देखें तो उसने ट्रायंगल इस तरफ ली है और स्टार इस तरफ ली है। अगेन इसमें उसने जैसे ये पोजीशन चेंज कर दिया, स्टार ऊपर और दूसरा नीचे है, इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट फेज में वाई एक्सिस पे जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये सेम इस तरह बनेगा, ये उसकी तरह होगा, तो इस वजह से ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा। मतलब कि ये पीटर खड़ा है यहाँ पे। अब इसका जो घर है एक्चुअल, वो यहाँ से 6 किलोमीटर अंकल का क्लिनिक है, कितना? 6 किलोमीटर राइट साइड, क्योंकि राइट आपका इसी तरफ बनेगा। अब वो कहता है कि ऑफ हिज हाउस, उसके घर से, बट हिज अंकल वाज नॉट अवेलेबल एट क्लिनिक, वो क्लिनिक पे, ये उसका जैसे क्लिनिक हो गया इस पर अवेलेबल नहीं थे, सो ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल विच वाज 12 किलोमीटर टू वर्ड द लेफ्ट। अब यहाँ से उसने क्या किया कि लेफ्ट होना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से वो लेफ्ट चला जाता है और ये कितना है, ये 12 किलोमीटर बना, 12 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम टू मेडिसन एंड ही वेंट टू हिज केमिस्ट शॉप विद 1 किलोमीटर टूवर्ड द लेफ्ट। अब यहाँ से अगेन वो लेफ्ट हो गया, क्या हुआ? लेफ्ट हुआ, ये कितना बना? 1 किलोमीटर उसने अगेन लेफ्ट साइड पे सफ़र किया। इफ पीटर हाउस वॉज साउथ फेसिंग, अब अगर इसकी हम यहाँ से डायरेक्शन काट लेते हैं, अभी भला क्या हुआ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब वो कह रहे हैं कि
इफ पीटर हाउस वॉज साउथ फेसिंग, अब उसका जो घर था वो साउथ की तरफ उसका फेस था, देन व्हाट द मिनिमम डिस्टेंस ही हैड टू कवर कम बैक टू हाउस फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, अब वो जो केमिस्ट की शॉप थी उसे घर पे आने के लिए कितना सफर करना पड़ा, इन शॉर्ट अब वो क्या कह रहा है कि केमिस्ट की शॉप से, अब वो जो पहले यहाँ से अपने अंकल के क्लिनिक पे गया 6 किलोमीटर, वहाँ से फिर वो लेफ्ट मुड़ा और आगे वो फार्मेसी पे गया, मेडिसिन शॉप पे, वहाँ पे नहीं था, फिर 1 किलोमीटर वो केमिस्ट पे गया, इसका मतलब कि 6 और 1 7 किलोमीटर टोटल उसने सफ़र किया अपने घर से, एक्चुअल केमिस्ट शॉप से और घर तक कितना था, 7 किलोमीटर था, ये इसका बेस्ट है। 1 2 3 मीन्स वेरी हॉट डे, 3 5 6 मीन्स हॉट फिल्टर कॉफ़ी, 2 8 9 मीन्स डे एंड नाइट डेट, अब कहता है कि वेरी इज, अब वेरी का एक्चुअल क्या बनेगा, ये बड़ी अमेजिंग सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझ लेना, सबसे कहता है कि वेरी हॉट डे 1 2 3, अब इसके अंदर भी अब देखें यहाँ पे हॉट, इन दोनों इक्वेशन में अगर देखें कि यहाँ पे भी वेरी हॉट डे है और वेरी हॉट फिल्टर कॉफ़ी है, यहाँ भी हॉट कॉमन है, यहाँ भी हॉट कॉमन है, इसका मतलब है कि, और इन दोनों के अंदर अगर डिजिट्स में बात करें तो 3 3 कॉमन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 3 3 ये दोनों कॉमन है और हॉट भी कॉमन है, इसका मतलब है कि HOT हॉट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3। अब अगर हम बात करें इक्वेशन 2 और 3 की, किसकी इक्वेशन 2 और 3 की, अब देखें 3 इसके अंदर क्या है, हॉट फिल्टर कॉफी है, इसके बाद 2 8 9 मीन्स, अब अगर 1 और 3 इक्वेशन की बात करें, किस किस की, 1 और 3 के अंदर, अब 1 के अंदर देखें कि डे कॉमन है और इसके अंदर भी डे कॉमन है, और ये इन दोनों के अंदर जो डिजिट कॉमन है वो 2 है, क्या है 2, इसका मतलब है कि डे का जो बना वो 2 बन गया, इसका कोड क्या बना 2। अब इसके बाद अब हमने देखना है कि आगे वेरी का क्या बनता है, तो बेसिकली हमने जो एक्चुअल कोड बनाना है वेरी हॉट डे, इसको ढूंढना है, अब ऑटो पे वेरी का 1 बनेगा क्योंकि 2 इसका था तो 3 इसका हो गया, VERY वेरी इज इक्वल टू 1, तो ये एक्चुअल इसका जवाब है, बेस्ट आंसर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, चूज द ऑड आउट ऑफ 1, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, ऑड ढूंढना है जो मुख्तलिफ है, सिर्फ वो वाला हमने ढूंढना है, जैसे सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, BD क्या है, BD इसके अंदर एक डिजिट छोड़ा है, D और G के दरमियान 2 डिजिट, उसके बाद G और K के दरमियान 1 2 3, इसका मतलब कि पहले में उसने एक डिजिट, फिर दूसरे में 2 और तीसरे में 3 डिजिट मिस किए हैं, ऊपर वाले में देखते हैं क्या किया, D और F के दरमियान उसने एक डिजिट छोड़ा है, F और I के दरमियान उसने 2 डिजिट, और इसी तरह I और M के दरमियान उसने 3 डिजिट मिस किए हैं, ये JKL, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम तरतीब के साथ चल रहे हैं, और F और H के दरमियान भी उसने एक डिजिट छोड़ा है, H और K के दरमियान 2 डिजिट, इसका मतलब है कि ये तीनों सेम पैटर्न पे हैं, तो ये एक इनमें से डिफरेंट होगा, कैसे भला, H और J के दरमियान एक डिजिट है, J और M के दरमियान 2 डिजिट, और बाकी बचा R, 1 2 3 4, अब इसके अंदर एक्चुअल उसने 4 डिजिट मिस कर दिए हैं, यहाँ पे करने कितने थे, उसने 3 डिजिट करने थे M के बाद, तो यहाँ पे 4 छोड़े हैं, ये वाला मुख्तलिफ है, इस वजह से इसका बेस्ट आंसर ये है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टर्म्स इफ प्लस इज डिवाइड, डिवाइड इज प्लस, माइनस इज मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई इज माइनस, उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, अब इस क्वेश्चन को देखें उसने किस तरह हल किया है, कि अब एक्चुअल तो इक्वेशन उसने ये दी हुई है, लेकिन साथ वो ये कह रहा है कि आपने जहाँ पे प्लस आए डिवाइड आएगा उसको आपने प्लस समझना है, और जहाँ डिवाइड आएगा उसको प्लस समझना है, माइनस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को माइनस, अब इसको मैं बताता हूँ, जैसे 7, अब वो कह रहा है कि प्लस इज डिवाइड और डिवाइड इज प्लस, इसका मतलब है कि 7 प्लस 4, उसके बाद मल्टीप्लाई को कह रहा है कि माइनस समझना है आपने, माइनस, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस को वो कह रहा था कि डिवाइड समझना है, डिवाइड हो गया 1, उसके बाद माइनस को कह रहा था कि मल्टीप्लाई कंसीडर करना है 3, अब आपकी इक्वेशन होगी ठीक, अब इसको हम हल कर लेते हैं, सबसे पहले हमेशा डिवाइड वाला अमल किया जाता है, 3 डिवाइड बाई 1 तो ये
आएगा 1 ही माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होगा। अब उसके बाद 7 प्लस 4 माइनस 9 होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। अगेन उसके बाद फिर आपने जमा कर लेना है, 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, माइनस 9 और इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि इसका बेस्ट आंसर 2 है ये।